अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको जो है वेलकम टू माय चैनल मम्मी फूड्स और बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं आप सबके साथ जो है अंडे की तहरी की रेसिपी लेकर के आई हूँ और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिए अपने घर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना अंडे की तहरी। तो यहाँ पर मैंने जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया हुआ है, दो दो चम्मच मैंने लिया हुआ है, और मैंने यहाँ पर एक डब्बे चावल का जो है तहरी बनाया है। तो आप इसको कुकर में बना सकते हैं, मैंने कुकर में ही इसको बनाया है क्योंकि कुकर में बहुत ही इंस्टेंटली तरीके से बन जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होता। आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गर्म मसाला, लहसुन अदरक, नमक और धनिया, मिर्चा, हल्दी, जितना भी आपका है ड्राई इंग्रेडिएंट्स पाउडर, वो सब आप इसमें प्याज डाल करके मिक्स कर लीजिएगा। और प्याज डाल करने से पहले जो है यहाँ पर मैंने गरम मसाला जितना खड़ा था वो हमने सब डाल दिया था, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, सब मैंने यहाँ पर अच्छे से मिला दिया था। प्याज फिर उसके बाद मैंने लाल किया, लाल करने के बाद जितना भी हमारा मसाला था इसमें हमने डाल दिया, और मैंने लास्ट में जो है दही मिलाया था। दही आप जो है ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। तो मेरे बच्चों को जो है आलू बहुत पसंद है, बिना आलू के उनको कोई खाना नहीं पसंद आता है। तो यहाँ पर हम जो कुकर में बना रहे हैं इंस्टेंटली तरीके से, वो 10 मिनट में आराम से बन जाती है, तो इसको ज़्यादा बनाने में झमेला या टेंशन नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो रेसिपी है वो धीरे धीरे ही ट्राई करना है आपको, और अपने घर में ज़रूर से बनाइएगा। अंडे की तहरी बहुत ही टेस्टी होती है, और खाना तो वैसे भी कोई भी बना दो, कैसा भी बना दो, अच्छा ही होता है। तो जितना भी हमने था मसाला पूरा अच्छे से हमने भून लिया था आलू के साथ, और यहाँ देख सकते मैंने चावल पानी सब मिला दिया है। तो अभी रमज़ान जैसा कि चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि क्या करें, क्या ऐसा बनाएं जिससे कि जल्दी हो जाए। तो रात के वक्त में मैंने जो है 10 मिनट में इसको बना के रेडी कर लिया था, और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया क्योंकि अंडे की तहरी हो तो उसमें कोई भी आप रेसिपी बनाइए, थोड़ा सा ऐसा होता है कि कसूरी मेथी डालने से बहुत इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो अंडा जो था यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ही फ्राई कर लिया था। आप इसमें जो है हल्दी, मिर्चा, नमक मिला करके भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वक्त बहुत कम था और मुझे नमाज भी पढ़ना था, ऐसे ही देर हो रहा था। तारीफ करने के बाद पूरा घर का काम रहता है, बहुत टेंशन हो जाती है, तो सब अकेले ही करना रहता, तो इसलिए मैंने जो है मिला मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, और आप देख रहे होंगे कि अंडा मेरा इसमें हमने नहीं डाला है। तो यहाँ पर अभी जो है हमारी तहरी बिल्कुल कुकर में देखिए हमने बनाया, एक एक दाना अलग अलग फरेरा उतरा है। तो आप अपने घर में ज़रूर से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अंडे की तहरी बहुत ही टेस्टी होती है। अगर कुछ नहीं समझ में आता, खाने का मन हो, तो आप यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। तो अंडे को जो है हमने दो पीस में कट कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि इसकी डेकोरेशन, इसके गार्निशिंग किस तरीके से हमने किया है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो है अंडे की तहरी बिल्कुल बनकर रेडी है, देखने में भी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल अच्छे से मैंने बनाया है इसको। तो आप इंस्टेंटली घर में आसानी से घर में बना सकते हैं, अगर आपके पास कम वक्त है तो, नहीं तो आप इसको पतीली में बनाइएगा, और आपके घर में अगर कोई मेहमान आ रहा हो और अचानक से बनाना हो तो बना सकते हैं, और ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।